हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या मूव रख सकता है। हमने और भी बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस की ट्रिक्स वगैरह देखी हैं। तो दोस्तों, उसी को यूज़ करके आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा सा स्टॉक लेना है तो वो कौन सा हो सकता है। और उसको एनालाइज़ करने के लिए हमने अभी तक जो टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक, मैकडी, आरएसआई जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक देखा है, हम उसको यूज़ करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। मैं आपको बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा कि जब जब ये मूव, मतलब जो भी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसी चीज़ें अगर पीछे इस स्टॉक में कभी हुई है तो उसमें क्या मूव रहा है, अभी इसमें क्या मूव रख सकता है और इसको किस लेवल के टारगेट के लिए आप चेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 के स्टॉक IOCL की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 35% मार्केट शेयर है इसका, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, टॉप 500 में ये लिस्टेड है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम जो चार्ट देख रहे हैं वो मंथली चार्ट है। दोस्तों, अगर आप जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको डेली चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट या तो ऑर्ली चार्ट देखना चाहिए। उसमें कैसे एनालाइज़ करना है चीज़ें मैंने आपको बताया है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देख रहे हैं, तो इसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं। अभी वो लॉन्ग टर्म कितना हो सकता है मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे डिसाइड करते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये स्टॉक मैंने इसीलिए आइडेंटिफाई किया है क्योंकि इसमें दो चार चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़, कैंडल की जो पैटर्न इसमें उभर के आ रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे? यहाँ पे आपको एक बड़ी डाउनटिक दिख रही है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो आपको नीचे टेल्स ही दिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से तो फिर बम्पर मूव आया ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी नीचे प्राइस गई लेकिन ऊपर आके क्लोज हुई और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ऊपर की तरफ भी प्राइजेस अच्छी खासी रिजेक्ट हुई है। बिल्कुल हुई है, और इसीलिए मैंने इस स्टॉक को आपको आगे नहीं बताया और अभी बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो मैंने आपको 13 और 34 दिन का मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें आपको जो ऑरेंज लाइन दिख रही है वो 13 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो पर्पल लाइन दिख रही है वो 34 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैंने आपको बताया था जब 13 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जाती है, मतलब पर्पल लाइन को क्रॉस करके वो ऊपर की तरफ जाती है, तो एक बुलिश मूव आता है। मैंने आपको ये बताया था। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हो क्या रहा है कि 34 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो इतनी गिरावट के बाद भी रुक गई है। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर स्टॉक नीचे जाने वाला होता है तो उसका जो सपोर्ट है वो भी नीचे जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस में अच्छी खासी गिरावट आई। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं पड़ेंगी क्योंकि खाली ग्रीन लाइन और रेड लाइन या तो फिर पर्पल लाइन और ऑरेंज लाइन को देख के आप एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर बार वो मौके ही नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि आप ये देख सकते हैं कि जो रेड लाइन, इतना बड़ा आपको जो डाउन कैंडल दिखा, तो आप देख सकते हैं कि उसने सारी मूविंग एवरेज, मतलब अभी तक हमने जो जो भी मूविंग एवरेज देखी सारी तोड़ दी। फाइनली उसने 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ दी और प्राइस नीचे गिर गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन ये जो पर्पल कलर की जो मूविंग एवरेज है, दैट इज 30 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसमें आपको गिरावट नहीं दिखी। तो उसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि जो सपोर्ट है वो नीचे नहीं गिरा। सपोर्ट नीचे गिरने का मतलब है कि अब स्टॉक को काफ़ी नीचे गिरना पड़ेगा कि जहाँ पे उसका सपोर्ट होगा फिर वहाँ से वो अभी वापस अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन था। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक बेरिश क्रॉसओवर मिला है। अगर आप ग्रीन लाइन और रेड लाइन को देखें तो यहाँ पे आप परचेज बिल्कुल नहीं करते, और मेरे आप प्रीवियस वीडियोज याद कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बेरिश क्रॉसओवर मिला है, उसके बाद देखिए आपको एक तो मूव मिल ही गया जिसमें अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। और यहाँ पे आपको निकलना है, वो कैसे पता चला कि नीचे के लेवल पे आपको अच्छी खासी प्राइस रिजेक्ट होती दिख गई। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भले ही शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज नीचे गई है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है वो भी बेरिश जोन में नहीं गई थी। तो यहाँ पे आप एक मूव ले सकते थे। तो यहाँ पे आप नहीं भी निकल जाते तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको फिर प्राइस में वापस एक रिकवरी मिलती, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ आती, तो आपका जो भी प्रॉफिट होता, मान लीजिए अगर आप नहीं भी निकले थे तो आपको दिख जाता कि अगर ये इसको ऊपर, मतलब ये वाला अगर लेवल फिर क्लोज हो जाता तो फिर सारी जो भी
शॉर्ट पोजीशन थी वो कवर होने लगती, और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जैसे ही ये लेवल ऊपर आया सारी पोजीशन कवर हो गई और स्टॉक को एक यहाँ पे एक बढ़िया सा मूव ऊपर मिला। हालांकि स्टॉक ने 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार जाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं हो पाया, बट आपको पता तो चल ही गया था कि ये एक बुलिश मूव की तरफ जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट मतलब जो इंडिकेशन है वो ये है कि 13, 21 और 8 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नेगेटिव नहीं हुई थी और RSI रिलेटिवली काफ़ी स्टेबल था। तो ये दो चीज़ अगर आपने कंसिडर करी होती तो आपको आइडिया लग जाता। उसके बाद आप देखेंगे तो प्राइस ने फिर वापस ऊपर गया, मतलब प्राइस ने वापस ऊपर जाने की कोशिश करी, हालांकि 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके वो रुक गया। और आप देखेंगे कि अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे इसको एक बेरिश ट्रेड के तरीके से इसको कंसिडर करता, क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो उसको प्रिवेल करता है, वो रेजिस्टेंस वर्क करता है। और अगर आप देख सकते हैं कि बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यूड है तो यहाँ पे मैं पोजीशन या तो बुलिश तो बिल्कुल पोजीशन नहीं लेता, अगर लेता भी तो मैं इसके बेरिश पोजीशन लेता। लेकिन यहाँ पे हम बेरिश पोजीशन क्यों नहीं लेते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन नीचे आ रही है और रेड लाइन स्टेबल ले रही है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि अभी बुलिश क्रॉसओवर होने के चांसेस ज़्यादा है, बेरिश क्रॉसओवर रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर आप देख लेते, और दूसरा अगर आप RSI को देख लेते बड़ी वाली, इस टाइम पे तो आप छोटी वाली RSI को देखते तो भी आपको पता चल जाता कि ये ऊपर की तरफ टिल्ट हो रही है। RSI भी आप देख लेते तो भी वो भी ऊपर की तरफ टिल्ट हो रही है, तो आपको पता चल जाता कि यहाँ पे अपने को एक बेरिश मूव नहीं लेना है। हालांकि फिर भी आपने ले लिया होता तो आप देख सकते हैं आपको प्राइसेस में एक गिरावट मिली थी, हालांकि वो रिकवर हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे जब प्राइस 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई तो आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन लाइन नीचे आ रही है, रेड लाइन ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया था कि मार्केट में एक बुलिश मूव आने वाला है। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सब्सक्राइबर हैं तो मैंने आपको अलर्ट इशू किया था कि इसको आप क्लोजली वॉच करिएगा, और जैसे ही अपने को डेली चार्ट में एक बुलिश क्रॉसओवर मिला, वीकली चार्ट में सॉरी, तब मैंने आपको बताया था कि इसमें अपनी आप पोजीशन बना सकते हैं। और अभी तक हमने करीब 390 रुपये पे इसको बाय किया था और हम टारगेट कर रहे थे 450 रुपीज़ का, तो अभी हम इसमें वेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसको परचेस या तो अभी आप इसको पोजीशन अगर नहीं बना पाएँ तो अभी भी एक बढ़िया मौका है। कैसे, आप देख सकते हैं कि प्राइजेज अब कन्विंसिंगली 34 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि 13 और 34 दिन की जो मूविंग एवरेज है, मतलब जो ये ऑरेंज लाइन है और जो पर्पल लाइन है, उसमें आपको एक डाइवर्जेंस बनता दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है और रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये एक बुलिश मूव है, मतलब डाइवर्जेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है। 34 डेज पे काफ़ी सपोर्ट है, नीचे की तरफ प्राइसेस रिजेक्ट हुई है। और सबसे जो कन्विंसिंग फैक्टर है वो मैं आपको बताऊंगा कि 583 का जो MACD है उसको अगर आप देखेंगे ना तो वो अब ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और जो 13, 21, 8 वाला MACD है ना वो भी आपको एक दिख रहा होगा कि एक बुलिश क्रॉस ओवर आपको देने की कोशिश कर रहा है। वाइट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा हल्का सा आपको अगर आप इसको थोड़ा आगे करके इसको देखें तो आपको दिखेगा। तीसरी बात, RSI भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। और दोस्तों मैंने आपको आगे भी बताया था कि RSI में 50 का लेवल होता है, वो काफ़ी सपोर्ट वाला मूव रहता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी बेटर हो जाता है। कैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अभी 422 रुपये पे चल रहा है, आप इसमें क्या करें, अगर बुल अगर आपको अप मूव मिलता है तो क्या होगा कि ये 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी थोड़ी ऊपर उठना चालू होगी, तो आपका जो सपोर्ट वाला जोन है वो ऊपर आता जाएगा। तो जैसे ही स्टॉक में अगर बुल मूव बनता जाएगा तो आपका लॉस बुक करने का जो रेशियो है वो मिनिमाइज होता जाएगा। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ऐसे उसको समझिए कि 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ पर अगर प्राइस आती है और फिर वहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर होता है तो फिर वहाँ से हम या तो और ख़रीदारी कर सकते हैं या तो फिर वहाँ से निकल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि मूविंग एवरेज में कौन सा क्रॉस ओवर बन रहा है और MACD की आपने को सिग्नल दे रही है और RSI का क्या लेवल है। तो यहाँ पे फेवरेबल चीज़ ये है कि 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काफ़ी सपोर्ट है, नीचे की तरफ प्राइसेस काफ़ी रिजेक्ट हुई है, अपने को एक कन्वर्जेंस दिख रहा है दोनों मूविंग एवरेज में, 13-34 और 8 दिन की सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। RSI आपको ऊपर की तरफ जाती दिख रही है, MACD अभी भी पॉजिटिव जोन में है 13-21-8 और उसमें आपको एक बुलिश क्रॉसओवर मिलता दिख रहा है, RSI ऊपर की तरफ जा रही है। और हम ये देख रहे हैं दोस्तों ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट में अच्छा खासा मूव मिलता है जनरली। तो मैंने आपको बताया कि ये
इसमें एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है। तो अगर आपने ख़रीदारी नहीं करी है तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। और टारगेट इनिशियली आप बना के चलिए कि 450 रुपये का आपको टारगेट इसमें मिल सकता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको सजेस्ट करता हूँ तो भी आपको लगता है कि नहीं इसमें अपने को मतलब आपको ये रहता है कि इसमें कौन सा एंट्री एग्जिट पॉइंट कंसिडर करना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चूंकि हम इसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट को कंसिडर करके चल रहे हैं तो आप इसको ट्रेडिंग आइडियाज़ के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड के लिए भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई अभी के क्या सिनेरियोज़ बन रहे हैं और क्यों इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकता है उसकी बात। अब मैं आपको बताऊंगा बैक टेस्टिंग करके कि जब जब ये स्टॉक में ये ऐसा बुलिश मूव आया था तो स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको ये बेरिश क्रॉसओवर्स भी दिख जाएंगे यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिश क्रॉसओवर भी दिख जाएंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल के तौर पे बुलिश क्रॉसओवर की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको एक बुलिश क्रॉसओवर मिला, मैकडी पॉजिटिव जोन में है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है और आप देख सकते हैं आपको कितना अच्छा रिटर्न मिला है। ये देखिए आपको एक बुलिश सिग्नल मिला, हालांकि ये वाला जो सिग्नल मिला है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके चलते, क्योंकि क्या है इसमें रेड लाइन ऊपर जा रही है तो ग्रीन लाइन भी ऊपर जा रही है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है। बट ये वाला जो सिग्नल है ना इसमें तो आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है, मतलब बुलिश क्रॉसओवर को रिजॉल्व होने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वाले मूव में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ऊपर गया है और आपको अच्छा खासा एक रिटर्न मिला है। अगर आप ऊपर के लेवल पे निकल भी जाते तो भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। हालांकि स्टॉक में सडनली एक गिरावट आई है तो उसके कारण अगर आपने इसको अच्छे से मेजर नहीं किया होता तो आपका जो भी आपका प्रॉफिट हुआ था वो आपका धुल भी जाता। लेकिन आप देख सकते हैं इमीडिएटली फिर प्राइसेस रिकवर भी हुई है। ये सारी जो कैंडल है वो एक एक मंथ की कैंडल है तो आपको काफ़ी रुकना पड़ता है ये सारे मूव्स देखने के लिए। तो ये हो गई एक बुलिश क्रॉसओवर की बात। चलिए आगे चल के और बुलिश, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट में एक बुलिश क्रॉसओवर मतलब रेड लाइन ऊपर, रेड लाइन दोस्तों फास्ट लाइन है, ग्रीन लाइन स्लो लाइन है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक बुलिश क्रॉसओवर मिला, यहाँ पे मैं मोबाइल में आपको ठीक से बता नहीं पाऊंगा लेकिन चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैकडी में भी आपको एक बुलिश क्रॉसओवर मिला है। लॉन्गर टर्म मैकडी तो पॉजिटिव है ही और आरएसआई भी आपका अच्छा खासा सपोर्ट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी ये आपको ये बुलिश क्रॉसओवर मिला है तो प्राइसेस अच्छी खासी बढ़ी है। चलिए थोड़ा इसमें और पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए ये बढ़िया, ये एक स्ट्रॉन्ग आपको मैं बता सकता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग एक क्रॉसओवर है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ पे और आपको पता है कि 34 डेज के ऊपर प्राइस को ना एक अच्छा बुलिश सिग्नल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कितना, यहाँ से अगर आपने परचेस किया होता मतलब मान लीजिए यहाँ पे किया होता तो आपको यहाँ तक का 422 रुपये, मतलब अगर आपने परचेस किया होता यहाँ पे मान लीजिए 250 रुपये पे आपने परचेस किया है तो आप देख सकते थे कि आपको 422 रुपये तक में ऑलमोस्ट डबल हो जाते आपके 1, 2, 3, 4, 5 महीने में पैसे। तो ऐसे करके आप पीछे देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आपको मूव्स मिल जाएंगे। तो ये हो गई इस स्टॉक की बात। मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको अभी भी ख़रीदारी आप कर सकते हैं लेकिन आप अपना एनालिसिस कर लीजिए। मेरे जो भी आइडियाज़ रहते हैं वो एजुकेशनल आइडियाज़ रहते हैं, आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके इसमें पोजिशन बना सकते हैं। मैं आपको लास्टली वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि वीकली चार्ट में भी क्या मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड लाइन ऊपर है, प्राइजेस 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज हुई है और अगर आप सारी मूविंग एवरेज देखें तो ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो 34 डेज को की मूविंग एवरेज, अभी ये जो ऑरेंज मूविंग एवरेज है वो आपको दिखेगा कि ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब वो पर्पल की लाइन को क्रॉस करेगी आगे जाके अगर आप प्राइजेस को आगे की तरफ प्रिडिक्ट करके देखें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आपको मैकडी में भी दिखेगा एक बुलिश क्रॉसओवर है, तो RSI भी स्टेबल है 50 के काफ़ी ऊपर है और 62.6180 जो फिबोनाची नंबर्स हैं मैंने आपको बताया नहीं अभी RSI के वो वाला एनालिसिस में, आपको फ्यूचर के वीडियो में बताऊंगा कि जब भी RSI 61.80 के लेवल के ऊपर जाती है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग अप मूव मिलता है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट है लेकिन ये हर बार मार्केट में वर्क करता है, जैसे अपने 8 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट पर करता है वैसे भी ये वर्क करता है। वैसे मैं आपको बता दूँ 61.80 गोल्डन रेशियो है, तो अगर आपने मेरे फिबोनाची नंबर वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वीकली में भी एक अच्छा खासा अपट्रेंड मिल रहा है,
तो दोस्तों ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है मुझे लगता है, तो इसमें आप बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि आप अपना एनालिसिस भी कर लीजिए, अगर आप चाहें तो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से भी आप एक बार सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये मूव होल्ड कर गया तो आप देख सकते हैं कि अगर छोटी वाली मैकडी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी तो प्राइसेस को फुल स्ट्रेच करने का मौका मिलेगा और एक अच्छा खासा मूव मुझे लगता है इसमें मिलना चाहिए। तो ये मैंने बात करी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, 450 रुपये का इनिशियल टारगेट बना के आप ले सकते हैं और पर्पल लाइन को आप एक बार सपोर्ट मान के आप इसमें स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।